अपने आप सही आ जाएगा, कायदे में रहो। हंसी मजाक परमानेंट नहीं, जब समय हो तब करिए, मतलब सीरियस बढ़िया अच्छे अच्छे गाने हो रहे हो तब मजाक की जरूरत नहीं। बता अच्छा भैया बताओ, हमें बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा हम बताएं दूर कर देंगे। यार राहुल भैया आप जैसे विद्वान व्यक्ति इनके साथ रह के इनको सुधार नहीं पाया आपने, तो ये व्यक्ति जीवन में कभी नहीं सुधर सकता। इनके संगत ही गुण, इनके संगत ही गुण जाए, जैसे ही संग में रहोगे वैसे हो जाओगे, या तो तुम बिगड़ जाओगे या ये सुधर जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा जरूर। आइए बढ़िया जवाब आपने दिया, कुछ कहना नहीं है, धन्यवाद है। आइए क्योंकि मिश्रा जी ने कहा जवाब देना नहीं है, सीधे 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 हा साहू जी होता थोड़ा और बढ़ा दी, बढ़ा दो भाई साहू जी, सुबह का वक्त है भाई। शरीर के हाल ना अपने हैं और ना बेगाने। सत्यवाद भाई शेर सुनिएगा, शरीर के हाल ना अपने हैं और ना बेगाने। मैं आज कौन सी मंजिल पे हूँ खुदा जाने, और जिन्हें जिन्हें सऊर नहीं जिंदगी का खुद अपनी, वो बेसऊर मेरी जिंदगी को क्या किया। बहुत पूछते हैं बताओ कोई बात हो तो क्या बताए तुमको, तुम तो खुद ही एक कहानी है, तुमको क्या बताएगा। तुम बताइए वो ख्वाबों के दिन कलाकार, मेरी कलाकारों की गिनती अलग है, वो कलाकार हूँ कि चाहे जैसी विषम परिस्थिति आ जाए चेहरे पे ये हंसी नहीं जाती, मैं नर्वस नहीं होता हूँ, कभी जीवन में नहीं हुआ, मस्ती में गाता हूँ चाहे जैसी परिस्थिति। और सुनिए ऐसी ऐसी जगह मिल गई जहाँ साउंड बिल्कुल नहीं बोल रहा है, थक रहे हैं हम लोग फिर भी गाया, नर्वस नहीं हुआ, यहाँ तो बढ़िया बोल रहा, आनंद आ रहा। हम नर्वस वाले कलाकार नहीं है, यहाँ बहुत प्रेम से और बड़े आनंद से गाते हैं, चेहरे पे ये क्लोजअप वाली मुस्कान बनी रहती है, ये जाती नहीं है। वो ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन वो सवालों की रातें जवाबों के दिन, तो कई साल हमने गुजारे यहाँ, तो यही साथ खेले हुए हम जवान।
था बचपन बड़ा था बचपन बड़ा आशिक था बचपन बड़ा आशिक बने बने चाहे दुश्मन जमाना ये सलामत रहे राजा हरिश्चंद्र ऐसा समय आया कि बिकना पड़ा खुद बिक गए पत्नी पुत्र भी बिक गए। काशी में मरघट की रखवाली करते हैं। एक समय ऐसा आया उनकी पत्नी तारा पुत्र रोहित को लेकर पहुंच गई उसको सर्प ने रस लिया। बहुत ही मरघट तो स्वामी इसका अंतिम संस्कार करना है तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बिना कर का टका दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। कहा स्वामी क्या दे दूं मेरे पास क्या है क्या दे दूं आपको मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा सुनो तारा भले ही ये मेरा पुत्र है तुम मेरी पत्नी हो लेकिन कदम कदम सतपथ पर कदम सतपथ पर रुकाना हमारा। इतनी मुसीबत आई लेकिन कदम सतपथ पर रुकाना हमारा और कहीं शीश जग में झुका सच्चाई है कीर्तन क्षेत्र में बड़ी राजनीति चल रही है। बहुत एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं लोग कि कैसे गति को गिरा दिया जाए कुछ ना कुछ किया जाए। जाको राके साइयां मार सके न कोई। आइएगा आ देखो तारा कपी के हम शान में राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारा बिके हम शान में शान कम नहीं हुई बिके हम शान में पर ना नुकसान में कहा राजा हरिश्चंद्र ने के बिके हम शान में पर ना नुकसान में धन हो ईमान का सच्चे इंसान देखो ईमान पर चलते रहे बिकना पड़ा लेकिन कभी के बाद
बाजार में समझ में सुना कहा राजा सिंह ने कभी के बाजार में लोग हर कौम के अब पुर की दासी तू दास हम डोम के दास हम डोम के इसलिए तू भी पुर की दासी है हम डोम के दास है इसलिए तो उचित उचित ना वो नाता निभाना हम तू मेरी रानी है ना मैं तेरा पति मैं दास हूँ तू दासी है उचित ना वो नाता निभाना हमारा साहू जी हो जाए थोड़ा और बढ़ा दीजिए गेंद वाला बेटा सुनेगा कहा समझ मिश्रा जी पंक्तियों जितने लोग बैठे हैं पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कहा तारा मैं महाराज ना महाराज ना ये भी युवराज ना तारा रावल भैया तो बातचीत कहा राजा हरिश्चंद्र ने मैं महाराज ना ये भी युवराज ना तारा अरे चार पैसे का चाकर मैं नाराज ना नाराज नहीं हूँ नौकरी करता हूँ दूसरे की मजबूरी है मेरी ये तुम कहते हो तुम मेरे पति हो ना ना था हिमालय कभी था कभी राजा हरिश्चंद्र लेकिन इस समय था हिमालय कभी अब कंकरिया हूँ मैं तारा अरे मैं हरिश्चंद्र ना दास हरिया हूँ मैं दास हरिया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी मैं हरिश्चंद्र ना दास हरिया हूँ मैं दास हरिया डूबने देंगे ना ये सत्य की नाव को हम काशी में बिके तो भोले भाले लखे भक्त के भाव को भक्त के भाव हे भोलेनाथ उमानाथ अब प्रभु कृपा कीजिए उमानाथ अब सच बचाना हमारा उमानाथ अब सच बचाना हमारा कहीं इस जग में झुका अंतिम निवेदन कर रहा हूँ चरण का स्वामी कर का टका चाहिए मैं क्या दे दूं मेरे पास कुछ नहीं है कहा है तो कहा क्या है महाराज कहा तेरे तन पर वेश कीमती जो साड़ी है इससे कर का टका चुप सकता है कहा अच्छा चुप सकता है कहा तारा ने किया क्या
बोली कर जोड़ कर तारण का स्वामी इस साली से कर कटा का चुप जाएगा कहा तो बोली कर जोड़ कर सुस गया छोड़ कर तो साड़ी दी फाड़ कर ताराने साड़ी दी फाड़ कर ये रिश्ता हर तोड़ कर आधी साड़ी को फाड़ दिया कह लीजिए स्वामी लीजिए आधी दे दी आधी बच गई किया क्या आधी बचन के लिए दे दिया दर्शन को आधी बच गई आधी से फिर आधी फाड़ दी आधी बदन के लिए और आधी कफन के लिए तीन हस्तों में साड़ी को मार दी बोली कर जोड़ कर सुत गया छोड़ कर साड़ी दी फाड़ कर रिश्ता हर तोड़ राजा हरिचंद ने कष्ट सारे सहे लिया सत को बचा कष्ट सारे सहे लिया सत को बचा और सत ठिकाने के हित गया क्या क्या रचा गया क्या क्या रचा सत ठिकाने के लिए क्या क्या रचा गया सत ठिकाने के हित गया क्या क्या रचा गया क्या क्या रचा लेकिन सत ठिकाने के लिए इतना रचा गया लेकिन फिर भी दुवे दी दुखी ना ये दुवे दी दुखी ना दुवे दी दुखी ना कराना हमारा में झुकाना कहीं जग में झुकाना कदम सत पथ पर रुकाना हमारा कहीं शिष जग में झुकाना कहीं शिष जग में आइएगा एक दुल्हन का कटपीस है और जैसा आपका आदेश होगा हम दोनों कलाकार